Hello, good morning students. Now in today's lecture we will discuss second type of substance, magnetic substance, that is paramagnetic substances. Last lecture humne diamagnetic substance definition, examples or different properties discuss kiye the. In similar manner we will discuss second type, paramagnetic substances. To pehle definition kya hoti hai iski dekhiye. Those substances which are weakly magnetized in the direction same as to that of external magnetic field are called paramagnetic substances. मतलब यहाँ पर magnetic field की direction जो होगी external magnetic field की, उसी direction में substance magnetized हो जाता है, लेकिन weakly magnetized. Okay, there are some examples of paramagnetic substances. देखिए students, जैसे aluminium, उसके बाद सोडियम, एंटीमनी मतलब सिंबल Sb, उसके बाद प्लैटिनम Pt, है ना, कॉपर क्लोराइड CuCl2, देन मैग्नीज Mn, उसके बाद क्रोमियम Cr, देन लिक्विड ऑक्सीजन O2 etc. These are some examples of paramagnetic substances. Now, paramagnetism is found to exist in substances whose atoms or molecules have an excess of electrons spinning in the same direction. मतलब किसी एक एटम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड या इवन हो जाते हैं, जैसे लास्ट टाइप में देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम थे एंड स्पिनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, पेयर इलेक्ट्रॉन, उसके वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल होता था. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैव एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उसके वजह से एटॉमिक डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होती है. सो स्टूडेंट्स, दिस सब्सटेंसेस हैव सम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, तो उसकी वजह से ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं weakly in the direction same as that of the external magnetic field. देखिए, now in the absence of external magnetic field, अगर हम paramagnetic substance रखते हैं तो हमें पता है कि atomic dipole moments, different atomic dipole moments are randomly arranged in any possible direction. Okay, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर जीरो हो जाएगा. सो नेट मैग्नेटिक डायपोल इज इक्वल टू जीरो, तो सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज रहेगा. ओके, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है. नंबर वन, वीक मैग्नेटिक फील्ड अगर होती है, ओके, तो इसमें से बहुत सारे एटॉमिक डायपोल मोमेंट्स दे अलाइन इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी रैंडम डायरेक्शन में रहेंगे. तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा स्टूडेंट, तो दैट इज यम नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इट शोज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. नाउ देखिए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम हो जाती है. नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑलमोस्ट ऑल डायपोल मोमेंट्स, एटॉमिक डायपोल मोमेंट्स अलाइन देमसेल्व्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर वी कैन से दैट द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड. तो अगर वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो वीकली मैग्नेटाइज होगा, अगर स्ट्रांग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा. ओके स्टूडेंट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसी होगी, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पर सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाएगा. Now, magnetic susceptibility of paramagnetic substance is small and positive. Positive इसलिए कि because
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे होती है, द सब्सटेंस विच आर वीकली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए पॉजिटिव। देखिए लास्ट लेक्चर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स अलाइन देमसेल्व्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से नेगेटिव होती थी, लेकिन ये पॉजिटिव है, लेकिन टिल इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-3 टू 10^-5। ओके स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है। नो रिलेटिव परमेबिलिटी इज स्लाइटली मोर देन 1, म्यू आर की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है। ओके अब म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी हमें पता है, द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी इन द मीडियम टू द परमेबिलिटी इन एयर और वैक्यूम। ओके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज स्मॉल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तैयार होगा उसकी वैल्यू कम होती है, वेरी स्मॉल, लेकिन इट हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, सो इन दिस वे पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू पार्शियल अलाइनमेंट ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड एटॉमिक डायपोल्स अलोंग द फील्ड, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके द एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड स्पिन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पर इन द सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है इसके वजह से। नो पैरामैग्नेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तो चलिए स्टूडेंट जिस सीक्वेंस से हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल और सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज देखे थे उसी सीक्वेंस से हम यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ओके तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए कि इफ थिन रॉड ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल और सब्सटेंस इज फ्रीली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कम्स स्लोली टू रेस्ट विद इट्स लेंथ इन द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कंसिडर कीजिए ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का थिन रॉड है। ओके और इसको हमने ऐसे वर्टिकल रखा है, लेट एन पोल और इधर एस पोल होगा, तो यहाँ पर लिखा है देखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल और अट्रैक्टेड, इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऊपर का जो एंड होगा दैट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एन पोल और ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, तो इसलिए फिर ये रॉड जो होगा थिन रॉड ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, नाउ दैट अलाइंस इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, फ्रॉम एन पोल टू एस पोल, तो ये रॉड वर्टिकल पोजिशन में नहीं रहेगा स्टूडेंट, इट अलाइन इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर रॉड की डायरेक्शन कैसी होगी, इट कम्स रेस्ट विथ इट्स लेंथ पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह से ये रहेगा स्टूडेंट। नाउ व्हेन दिस थिन रॉड ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब सपोज यन पोल ये स्ट्रांग पोल है कंपेयर टू दिस यस पोल ये वीक पोल है, यहाँ पर मतलब अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी यन पोल पर ज़्यादा होगी यस पोल पर कम होगी, तो दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो थिन रॉड था पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, तो इट अलाइंस एट द सेंटर, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड, मतलब थिन रॉड ये ज़्यादा किस तरफ अट्रैक्ट होगा, टूअर्ड द स्ट्रॉन्गर पार्ट, फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्गर, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टूअर्ड द स्ट्रॉन्गर पार्ट, मतलब फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड। ओके नो इफ मैग्नेटिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इन वन आर्म ऑफ यू ट्यूब द लिक्विड लेवल इन दैट आर्म्स इज रेज, सपोज यहाँ पर लिक्विड है मतलब लिक्विड ऑक्सीजन हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है, या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो इफ देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द यू ट्यूब, ओके
तो यहाँ पर दोनों आर्म्स में लेवल कैसे रहेगी, लिक्विड की लेवल स्टूडेंट सेम रहेगी। नो सपोज हमने यहाँ पर एक बार मैग्नेट लाया है, यहाँ पर लेट दिस इज यन पोल और ये यस पोल। व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द वन आर्म ऑफ द यू शेप ट्यूब, ओके, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस यन पोल, तो इसके वजह से यहाँ पर लिक्विड लेवल स्टूडेंट रेज होगी और दूसरे आर्म में फिर क्या होगी, लिक्विड लेवल फॉल हो जाएगी, ये ऐसे फॉल हो जाएगी। सो द लिक्विड लेवल इन दैट आर्म इज रेज। अगर हम इसको फिर से हटा देते हैं, ओके, तो ये लिक्विड लेवल सेम हो जाएगी स्टूडेंट। लेकिन जब हम बार मैग्नेट को इसके नज़दीक लाते हैं तो यहाँ पर फिर बार मैग्नेट जिस आर्म के नज़दीक लाते हैं उस आर्म में क्या होता है, लिक्विड लेवल रेज हो जाती है बिकॉज ऑफ वीकली अट्रैक्शन, राइट। अब उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक है देखिए कि यहाँ पर है, ओके, इफ अ वॉच ग्लास कंटेनिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक लिक्विड प्लेस्ड ऑन टू डिसिमिलर मैग्नेटिक पोल्स विच आर क्लोज टू इच अदर द लिक्विड शोज एन एलिवेशन इन द मिडल। देखिए जब यहाँ पर बार मैग्नेट के पोल्स नहीं है इस डायग्राम में देखिए, तो लिक्विड लेवल प्लेन है यहाँ पर, है ना। नो अगर हम देखिए यन पोल और ये यस पोल है और दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम है, इस तरह से अगर इसको रखते हैं तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कैसे रहेगा स्टूडेंट, बिकॉज ये जो लिक्विड है यहाँ पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पोल ऑफ द बार मैग्नेट बिकॉज वहाँ पर अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ का जो पोर्शन होगा दिस मॉलिक्यूल्स गेट अट्रैक्टेड इन दिस वे, तो यहाँ पर लिक्विड लेवल कम होगी ऐसी और बीच में एक ऐसे एलिवेशन होगा स्टूडेंट, इस तरह से होगा बिकॉज यहाँ का जो पोर्शन होगा गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द बार मैग्नेट पोल पीसेस की तरफ, ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, ओके, और ये अट्रैक्ट होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स अकुमुलेट इन द मिडल, तो इस तरह से यहाँ पर एक एलिवेशन तैयार होगा स्टूडेंट, राइट। लेकिन यही ऑब्जर्वेशन अब बदल जाता है कैसे, एक पैरामैग्नेटिक लिक्विड प्लेस्ड इन अ वॉच ग्लास प्लेस ऑन टू पोल पीसेस विच आर अपार्ट, मतलब यन पोल और यस पोल दोनों के बीच डिस्टेंस अब यहाँ पर कंपेयर टू दिस ये बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच डिस्टेंस, तो इस कंडीशन में क्या होता है देखिए कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ से यहाँ पर ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे इस तरह से, तो फिर बीच का जो पोर्शन होगा ये इस तरह से दोनों तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा, देखिए इस तरह से ये डायग्राम होगी कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ का पोर्शन भी अट्रैक्ट होता है और इस सेंट्रल और मिडल पार्ट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन इस तरह से प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है, ठीक है। देन अगर हम गैस कंटेनर कंसिडर करते हैं, देखिए इफ पैरामैग्नेटिक गैस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट इट स्प्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये यन पोल और ये यस पोल होगा। इनिशियली क्या होता है कि अगर यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इस गैस कंटेनर के अंदर जो गैस होगा मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से बना हुआ गैस, तो यूनिफॉर्मली उसके मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाएंगे इन द गैस कंटेनर, ओके। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो हॉरिजेंटल ऊपर का और नीचे का पोर्शन होगा उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बीच में आ जाएंगे बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट कि ऑल गैस मॉलिक्यूल्स अलाइन देमसेल्व्स इन अ डायरेक्शन दैट इज पैरेलल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस तरह से यहाँ पर थिन रॉड ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल अलाइन हो जाता है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह से यहाँ पर ऑल गैस मॉलिक्यूल्स अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह से अलाइनमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर
देखने को मिलता है स्टूडेंट। ओके देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसका मीनिंग क्या होता है? दोज सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन सेम एज टू दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल मतलब विच आर वीकली मैग्नेटाइज, बट यहाँ पर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखिए, जैसे कि मोस्टली सॉलिड्स यहाँ पर फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी दर्शाता है, एंड मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होंगे जैसे कि आयरन, देन कोबाल्ट, निकेल, ये कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ओके विच शोज स्ट्रांगली मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड कुछ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी है जैसे कि जीडी सिंबल मतलब गैडोलिनियम और डाइस्प्रोस्पियम सिंबल DY, ये कुछ यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है स्टूडेंट विच शोज फेरोमैग्नेटिज्म। और उनके कुछ अलॉयज मतलब मोस्टली आयरन, कोबाल्ट, निकेल और ये दो यहाँ पर इनर ट्रांजिशन और उनके अलॉयज, दैट दिस सब्सटेंसेस ओनली शोज फेरोमैग्नेटिज्म। ओके तो जनरली लिक्विड और गैसियस डज नॉट शो फेरोमैग्नेटिज्म, ओनली सॉलिड्स, और सॉलिड्स में भी कौन से? आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। रेस्टोरेंट नौ, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो डोमेन्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं यहाँ पर, जैसे कि डोमेन थ्योरी जो है यहाँ पर द साइंटिस्ट पेरी अर्नेस्ट वीस, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इन्होंने डोमेन थ्योरी यहाँ पर पुट फोर्थ किए। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डोमेन थ्योरी फिर हम सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशंस का दे सकते हैं। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट कि इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ओके जैसे देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर इवन होते हैं। ओके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हो जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में स्पिन होने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए दैट डोमेन शोज मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इंट्रैक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन ऑफ नेबरिंग एटम थ्रू क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज इंट्रैक्शन एंड अलाइन इन द कॉमन डायरेक्शन ओवर अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मतलब वॉल्यूम बहुत कम होता है इनका एक डोमेन का, सपोज वन डोमेन इज डिनोटेड बाय एरो, तो इसका जो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट इट इज़ वेरी स्मॉल, 10^-18 मीटर क्यूब होता है, वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम। और एक ही डोमेन में अप्रोक्सीमेटली 10^11 इतने एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं, मतलब इतने एटम्स होते हैं 10^11, तो दैट पार्ट इज नोन एज वन डोमेन। तो ये कुछ पर्टिकुलर्स यहाँ पर डोमेन के हो गए। सपोज डोमेन का वॉल्यूम कितना होता है? बहुत ही कम, 10^-18 मीटर क्यूब, और एक ही डोमेन में कितने एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं? 10^11। एंड वन डोमेन सच डोमेन इज डिनोटेड बाय एरो। तो देखिए इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज डोमेन्स आर अलाइन इन डिफरेंट डायरेक्शन रैंडमली है यहाँ पर इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर हम यहाँ पर आयरन का पीस लेते हैं, ओके तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो ये जनरल एक सब्सटेंस हो गया ना अनमैग्नेटाइज, इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं होगी बिकॉज नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है इसमें। लेकिन अगर इस आयन पीस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ओके तो ऑलमोस्ट ऑल डोमेन्स अलाइन इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। ओके सो वी कैन से दैट दिस सब्सटेंस गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो ऑलमोस्ट मतलब 100% ऑल द डोमेन्स अलाइन इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये आयन पीस फिर
स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। ओके, मतलब यहाँ पर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो ये मैग्नेटाइज होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक जो होगी वो अगर हम हटा देते तो यहाँ पर ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लूज करेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगी। स्ट्रांग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते तो फिर भी इस आयन पीस या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बचती है, सस्टेन रहती है, मतलब रिमेन रहती है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। मैग्नेटिक सस्सेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज पॉजिटिव एंड वेरी वेरी लार्ज। इसकी रेंज कितनी होती है? 10^+3 टू 10^+5, ये रेंज होती है, मतलब पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। रिलेटिव परमेबिलिटी इज मोर देन 1। ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज लार्ज एंड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ बाकी के जो प्रॉपर्टीज होंगे, दिस प्रॉपर्टीज आर सेम, कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम एज दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म शोज वेरी स्ट्रांगली और वेरी इंटेंसिवली कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब क्या होता है कि सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो कैरेक्टरिस्टिक तो सेम रहेंगे, ओके, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी इनकी। तो यहाँ पर जो एलिवेशन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, वेरी हाई होगा। ओके, देखिए जनरली सॉलिड्स यहाँ पर फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी दर्शाता है, लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट शो फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर फिर वॉश ग्लास के अंदर क्या होगा, लिक्विड तो नहीं होगा, यहाँ पर पाउडर होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मतलब देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो तीनों के डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लेक्चर में डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट, ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की और एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है दैट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लूजेस देयर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सच टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। सो व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? दैट इज डिनोटेड बाय TC. C स्टैंड फॉर क्यूरी टेम्परेचर। ओके, द टेम्परेचर एट विच द डोमेन स्ट्रक्चर गेट डिस्ट्रॉयड एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इन टू पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। मतलब क्या होता है कि जैसे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि द एटम्स इन द गिवन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस एंड एज रिजल्ट द इंटरलॉकिंग एटॉमिक कपलिंग बिटवीन द टू एटम्स बिकम्स वीक एंड एट पर्टिकुलर हायर टेम्परेचर द एक्सचेंज कपलिंग बिटवीन द एटॉमिक मैग्नेट्स इन ईच डोमेन ब्रेक्स कंप्लीटली एंड ऑल द एटॉमिक डोमेन्स और डायपोल्स गेट रैंडमली ओरिएंटेड। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए एक डोमेन है और उस एटॉमिक डायपोल मोमेंट्स आर स्ट्रांगली अलाइन इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इंटर एटॉमिक कपलिंग। ओके, स्ट्रांग होती है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज होगा एंड ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन द इंटरलॉकिंग एटम्स, दैट मीन्स द कपलिंग बिटवीन द एटॉमिक मैग्नेट्स इन ईच डोमेन ब्रेक्स डाउन
और ये फिर एटॉमिक मैग्नेट्स अलाइन हो जाएंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इसलिए यहाँ पर डोमेन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओके, तो एट पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लूजेस मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी एंड टर्न्स इंटू और कन्वर्ट्स इंटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। जैसे क्यूरी टेम्परेचर डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, जैसे आयन, तो आयन के लिए क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट, दैट इज 1043। अब ये केल्विन में होता है, तो डिग्री सेल्सियस में मतलब इसमें से 273 माइनस करना होगा, दैट मीन्स 770 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से कोबाल्ट के लिए क्यूरी टेम्परेचर है यहाँ पर 1393 केल्विन। देन निकेल, निकेल के लिए टेम्परेचर यहाँ पर देखिए 631 केल्विन। तो अगर इसमें से -273 करते हैं तो हमें डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर मिल जाता है। तो देखिए जैसे आयन का एग्जांपल लेते हैं, तो आयन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर हम आयन पीस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो आयन पीस गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, ओके, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी उसमें रिटेन रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डोमेन स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, और एट 770 डिग्री सेल्सियस इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर इसके पूरे डोमेन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वहाँ पर लूज हो जाएगी। सो सच टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। तो कोबाल्ट के लिए 1393 केल्विन है, निकेल के लिए 631 केल्विन। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर स्टूडेंट्स, राइट।